वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल केटी कपिल तलरेजा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, वॉच टिल एंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गूगल में जाना है, वहां पर को टाइप करना है आपले सरकार डॉट mahaonline.gov.in। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आपका पेज ओपन होगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी न्यू यूज़र हैं उनका रजिस्टर हियर का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक नोटबुक और एक पेन एक लेकर रख दीजिए, क्योंकि जो भी आपको सर्टिफिकेट निकालना है वो डिपार्टमेंट के थ्रू रूट होगा दोस्तों। अगर आपको डिपार्टमेंट का नाम याद होगा तो इजीली उस सर्टिफिकेट तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, सपोज़ ये इसमें आप डाल दीजिए। इसमें आपको डालना पड़ेगा आपका जो बिल्डिंग का नाम है, इसमें जो आपका बैरक नंबर है वो आप डाल दीजिए। रूम नंबर इसमें आपका है जो भी आप इसमें डाल दीजिए। स्ट्रीट का जो भी नाम है, जो भी रोड का नाम है उसमें डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, स्ट्रीट जैसे इसमें मेन बेनिफिट वही है दोस्तों कि जो भी आप टाइप करते हैं उसमें आपका आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे यहाँ पर ये पकड़ता जाएगा। सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, जो भी बिल्डिंग है वो आप इसमें नाम डाल दीजिएगा। लैंडमार्क बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि ईजिली सामने वाले को एड्रेस मिल सके कि आपके ऑपोजिट में क्या है, घर के नज़दीक में क्या है, जो फेमस जगह है मतलब, इसमें आपको डालना पड़ेगा। इसमें जो जो स्टार जहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों रेड में, वो आपको कंपलसरी इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सपोज़ इसमें मुंबई सिटी का है तो बॉम्बे सिटी में आपको डालना पड़ेगा, मुंबई सबर्बन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। इसमें और आगे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका इसमें तालुका जो भी आपका आता है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा उल्लासनगर में है तो उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाएगा। जो भी आपका शहर का पिन कोड है वो भी कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यूज़र नेम वेरीफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इसमें मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे, यहाँ पर सेंड OTP आपको करना पड़ेगा। जो भी आपको उसमें OTP आएगा उसमें आपको वन टाइम पासवर्ड डालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड नंबर इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो भी यूज़र नेम आपको बनाना है दोस्तों, इसमें आप इसमें बना सकते हैं। इसमें यूज़र नेम मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप इसमें डाल दें, ताकि आपको यूज़र नेम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। नीचे आपका ईमेल आईडी आपको डालना ही पड़ेगा, @gmail.com जो भी है, ऊपर आपको यूज़र नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा इस वेबसाइट के लिए। पासवर्ड जो भी आपको ईजी है आपको याद रखना है, आप कर सकते हैं। सबसे मेन बड़ी बात दोस्तों, जो अपलोड फोटोग्राफ है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ साइजेस दिए हुए हैं, कुछ कंपनी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले बोले दोस्तों, द साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ शेल बी बिटवीन 5 KB to 20 KB, ये साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों, ये KB का होनी चाहिए। और जो फ़ोटो होना चाहिए वो JPG फाइल में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो विथ होनी चाहिए वो इसमें आपको 160 मेगापिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। उसमें जो हाइट ऑफ द फोटोग्राफ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200 से 212 पिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको फ़ोटो यहाँ पे इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके। ठीक है दोस्तों, जैसे आप उसको अपलोड कर रहेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो आपको दिखा दे देंगे दोस्तों। ऐड फ़ोटो में जाके, चूज़ फाइल में जाके उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे ये आपका JPG फाइल होना चाहिए, इसमें जैसे कि अगर आपका पैन कार्ड है, अगर वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट का है, या कोई भी है, इसमें आपको जो भी आपको इसमें डालना है आप इसमें डाल दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस है दोस्तों। प्रूफ ऑफ एड्रेस में दोस्तों, अगर आपको इसमें भी JPG फाइल होना चाहिए, ये यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, द साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट बिटवीन 75 KB to 100 KB, और उसमें भी दिया हुआ है कि 75 KB to 100 KB। तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, वोटर आईडी ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे आपको टिक करके रजिस्टर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर आपको मेरा ऐप आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।